गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन, ओके. बेटा, हम लोग साइंस में अब पढ़ने जा रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में कुछ जाने. गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सॉयल. सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स have reddish ones. Some have used red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way, the school, in the park and gardens, isn't it? Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant? Show in figure 7.1. Color the parts of the plant. देखो, ये प्लांट दे रखा है, इसके नेम्स को और इसके जो लीव्स है इन सबको आपको लेबल करना है, ये ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है. इस पर इस देखो इस चैप्टर में क्या बता रहे हैं कि आप अपने घर के बाहर निकलिए, अपने आसपास में देखिए, आपको बहुत तरह की वैरायटीज़ नज़र आएगी. कुछ पेड़ लंबे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, किसी में ब्लू रंग के फूल आ रहे हैं, किसी में लाल रंग के फूल आ रहे हैं, कोई बहुत विशालकाय है, यानी बहुत अलग अलग तरह के बारे में आपको अलग अलग तरह के पेड़ आपको दिखाई देंगे. तो अगर हमें ना हम अगर गार्डन में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो हमें सभी जगह पे अलग अलग प्लांट्स जो है वो नज़र आएंगे. तो अभी हम उसी के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले है एक्टिविटी 1, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ 1. प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू. एबल टू अंडरस्टैंड? प्लांट्स ऐसे देखने हैं जो हमसे छोटे हों, कुछ ऐसे देखने जो हमारे बराबर हो, और कुछ ऐसे देखने जो हमसे लंबे हो. फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. आप इनको ऐसा महसूस करो कि आप इनको पकड़ करके बांध सकते हो क्या, अगर मतलब एक साथ बांध सकते हो, ये सॉफ्ट है या हार्ड है. ठीक है, ये टेबल दी हुई है, इसके अंदर आप कैटेगरीज देख सकते हो कि प्लांट्स की जो कैटेगरी है वो क्या क्या होती है. ठीक है, नाउ टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग एंड टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स जो होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि हम उनको तोड़ नहीं सकते हैं, मुड़ जाएगी लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे. और जो लंबे प्लांट्स होते हैं वो बहुत इतने थिक होते हैं, इतने मोटे होते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती है वो भी बहुत मोटी होती है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम. वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1. सम एग्जाम्पल्स आर शोन. ओके, तो आपको ऐसा दिखने में मिला था. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, अंडरलाइन कर लेना. बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ओके, अब यहाँ पर देखिए, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. अंडरलाइन कर लीजिए, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम. द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. अंडरलाइन कर लीजिएगा, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. द स्टेम्स हैव branches in the upper part much above the ground. Such plants are called trees. Underline कर लीजिएगा, based on the above characteristic can you now classify the planted. देखो, इतने सारे जो plant हैं, अब आपको बताया कि
हर्ब किसको कहते हैं, श्रब किसको कहते हैं और ट्रीज किसको कहते हैं, राइट। तो ये आप अपने आसपास में ऑब्जर्व करो और आप देखोगे, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो टू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और अवर स्कूल। क्रीपर्स देखो, इसमें 7.4 फिगर में देखो, क्रीपर्स जो नीचे 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 फैलती जाती है, और क्लाइंबर्स देखो, क्लाइंबर्स को अगर आप अलग करोगे, क्लाइम क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, और क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ने वाली, तो जो बेल ऊपर की तरफ बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। नाउ 7.2 स्टेम, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी आप अपने आसपास में देखो और उसमें देखो कि क्या क्या जो है आपको डिफरेंट नज़र आता है। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जो मैंने अभी आपको समझाया, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ये भी आपको बताया कि जो एक सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती हैं उस बेल को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, नाउ एक्टिविटी टू देखिए, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम, पोर वाटर टू द फिल टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, एड अ न्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक इन टू वाटर, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन 7.6। ये देखो ऐसा है ना, तो आप ये करो और इसको डाल करके रखो, आप स्टेम डालोगे और उसमें ये कलर वाला पानी डालोगे ना, अपने आप जो है देखना, अपेयर इन द वेन्स ऑफ लीव ऑल्सो, हाउ यू जो भी पानी आपने डाला है ना, तो क्या होगा, जिस कलर का डाला होगा उसमें पत्तियों में भी उसका रंग आना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। अब बात आ रही है एक्टिविटी 3 में, देखिए, पुट अ लीव, अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस, जैसे देखो ये करना है, ठीक है। अब इसके जो है पत्तियों को रख के और उसके उसके ऊपर जो है आप इम्प्रेशन बनाओ, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स, डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज़ कॉल्ड मिडरिब। हम कोई भी पत्ती लेते हैं तो बीच में एक थिक सी मोटी सी लाइन नज़र आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडरिब। नाउ लीव्स, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, ठीक है, आप इसमें लीजिए और उसको बनाइए। नाउ हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, द पार्ट्स ऑफ द लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पत्ती जो है स्टेम के जिस भाग से जुड़ी हुई होती है उसको पेट्यूल कहते हैं, पेट्यूल का मतलब होता है जो चीज़ मजबूती से लटक रही हो। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन, इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब, द वेनेशन इज रेक्टिकुलेट। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू द वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन, जो हमने 7.10 में हम ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये लाइन जो साथ साथ चल रही है ना, ये क्या कहलाती है, पैरेलल वेनेशन कहलाती है और रेक्टिकुलेट होती है। तो आपको इसमें एक्टिविटीज़ दे रखी है कि आप लीव्स को जो है वो किस तरीके से पोर करके, और आप उसको देख सकते हो कि पत्तियों में भी जो है वो अलग 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 कलर के अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई लाइट होती है, कोई ग्रीन होती है, ठीक है। और ये एक्टिविटीज़ जो है ऐसी है जो आप इजी वे में कर सकते हो। वाटर कम्स आउट टू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ प्योर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, है ना। अब प्लांट्स जो है वो बहुत उससे जो है क्या करती है, आपको जो कलर ऑब्जर्वेशन है उसको लेती है और अपना ट्रांसपेरेंसी दिखाती है।
नाउ इसमें जो दे रखा है दीज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन अ, अब यहाँ पे ये एक्टिविटी टू देखिए सिक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू वुड रिक्वायर टू पॉट्स सम सॉइल खुरपी ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर, आपको एक गमला लगाना है ठीक है, और ये देखो ऐसे ठीक है, तो एक जड़ के साथ लगाएंगे और एक बिना जड़ के साथ लगाएंगे ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कौन जल्दी से बढ़ रहा है, अगर रूट को प्रॉपर पानी मिलेगा प्रॉपर सॉइल मिलेगा प्रॉपर एयर मिलेगी तो रूट वाला जो प्लांट होगा वो जल्दी बढ़ेगा, बशर्ते जो दूसरा वाला जो विदाउट रूट का है वो ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट इस एक्टिविटी में भी यही बताया हुआ है कि जो आपने देखा होगा हम कई बार जो है वो आलू रखते हैं, आलू है प्याज है वो बास्केट में रख देते हैं, अब अगर वो थोड़े से गीले हो जाते हैं या उनको एयर लग रही होती है तो उसमें ग्रीन कलर की रूट आती है, ये देखिए 7.16 में देख लीजिए, ये देखो हम कई बार चने को बीट रूट करते हैं ना, ये यहाँ पर ये किया हुआ है मेज़ को जो हम अंकुरित चना जिसे बोलते हैं ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए जो हम पेड़ लगा रहे हैं उसमें देखिए कि एक जब यहाँ पे ए में देखिए एक ही जड़ से पेड़ लंबा हो रहा है लेकिन जब उसकी लीव्स बन रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइबर रूट्स है और ये टेप रूट्स है ठीक है। तो फाइबर रूट में क्या होता है जालीदार जो है वो रूट होता है जिसमें कि ट्रीज़ को बढ़ने में मदद मिलती है, द मेन रूट इज़ कॉल्ड टेप रूट एंड देयर स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.7 डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर रूट्स ओके। अब यहाँ पर ये देखिए स्टैम्प्स एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, अब ये देखो आपने ऐसा पेड़ देखा है ना तो ये इस तरीके से बढ़ना शुरू होता है ठीक है ना। नाउ फ्लावर, अब आपने फ्लावर देखा है, फ्लावर की पत्तियाँ देखिए इसके अंदर देखिए बर्ड एंड फ्लावर्स, ये देखो बीच का जो पिंक वाला हिस्सा है वो पहले क्या है सेपल्स है, फिर उसके बाद में जो उसकी पत्तियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं पेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं ठीक है। और नाउ एज रिक्वायर्ड ये जो है अब आपको क्या करना है, आप जो है एक फ्लावर पॉट लगा के देखिए, ये देखो पार्ट्स ऑफ द स्टेमन, स्टेमन्स में क्या होता है जो फूल होते हैं उसकी पहले जो पत्तियाँ होती है वो धीरे धीरे ऐसे खिलती है, पूरे गमले में लगा दिया और उसके बाद में जो है वो पहले इस तरीके से बढ़ेगा अंतर में फिर फिलामेंट में आएगा और उसके बाद वो फूल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये देखो ठीक है। यहाँ पे देखो अ बेल शेप्ड फ्लावर और पार्ट ऑफ पिस्टल्स ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में स्टेमन्स जो ये बीच में लग रहे हैं, पिस्टल्स जो नीचे लग रहा है और अंतर्स जो ऊपर लग रहा है, इस तरह के फूल होते हैं ना आपके अपने आजू बाजू में देखा होगा जिसको आप लोग मैक्सिमम जो है वो लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो बिट्स बोलते हो राइट। अब इसमें देखो अगर हम इसको कट करते हैं तो इसमें क्या होता है इस तरह का एक ओवल बनता है ठीक है, ओवल में क्या होता है आप इसको एक कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि आपके सबने आपने सबने अपने घर में जो है वो एलोवेरा का पेड़ देखा होगा, एलोवेरा में अगर हम स्टैम्प को छीलते हैं तो उसमें से जो है वो एलोवेरा निकलता है, सेम उसी तरह का प्रोसेस इसके अंदर होता है ठीक है ना। नाउ अब देखो मेनली जो है बात ये की गई है इसके अंदर फूल है बेल है पेड़ है हर्ब है श्रब है क्रीपर्स है क्लाइंबर्स है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं नेचर के साथ कैसे कॉम्पोनेंट करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर भी आप इसको तसल्ली से रीड करना, ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछना ओके। नाउ बाय।